पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले। मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिक गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिक, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल हम आ रहे हैं। क्या हम आप पहुँच रहे हैं? अभी नहीं। ओह, क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी? सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं। हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिक बोल रहा हूँ। दादा पिक, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। क्या डैडी पिक नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिक मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी, चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुंच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह, दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है। जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिक, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं। हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। म्यूजियम। पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। ओह, बहुत ही पुरानी। एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है।
वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट। कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पेपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पेपा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। ये है रानी की ड्रेस। कितनी प्यारी है। देखो पापा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पापा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी ला कर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है। असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है। ये असली डायनासोर की हड्डियां है। डायनासोर। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है। डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स है। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओ हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। डैडी का मूवी कैमरा। पोस्टमैन मिस्टर ज़ेब्रा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रहे हैं। आपके लिए पार्सल है मिस्टर पिग। थैंक यू मिस्टर ज़ेब्रा। बाय बाय। ये देखो, मेरे लिए अभी पोस्ट से एक पार्सल आया है। चलो बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है। डायनासोर। ओ जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। इतने छोटे पार्सल में डायनासोर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये एक नया खिलौना है। तुम बहुत करीब हो। मुझे पता है इसमें क्या है। आपका नया कैमरा, डैडी पिग का नया खिलौना। बिल्कुल सही, ये मूवी कैमरा है। हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं। क्या मैं इसे पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे।
ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शिप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है, वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो शाबाश पापा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है। मूवी 3000 अब वो आवाज नहीं आएगी। शाबाश पापा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी मेरा लीजिए। ओके पापा। हेलो मैं हूँ पापा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। फिर से। अच्छा ठीक है। ये पापा को है बोल। हेलो मैं हूँ पापा पिग। फिर से। ये पापा को है बोल। हेलो मैं हूँ पापा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ डैडी पिग, आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी पापा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया, अब आप अंदर आ सकते हैं। जॉर्ज ने एक मूवी बनाई है और पापा ने भी। तो चलो पहले जॉर्ज की मूवी देखते हैं। डायनासोर। इसमें जॉर्ज एक डायनासोर बना है। ये तो बड़ा डरावना डायनासोर बना है। ओहो ये क्या, जॉर्ज डर गया? डरो मत जॉर्ज, टीवी पर कोई असली डायनासोर नहीं है, वो तुम डायनासोर। अब पापा की मूवी देखेंगे। हो हो हो। अब ये कौन है? मैं हूँ डैडी पिग। हो हो हो। अच्छा मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ। मेरा पेट बड़ा नहीं है, पर ये बात सच है कि मुझे कुकीज पसंद है। और आप जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बड़ा होगा। चलो अब आगे क्या है? ये है मेरा प्यारा छोटा भाई जॉर्ज, ये है मम्मी पिग और ये मैं हूँ। और ये है असली डैडी पिग। फ्लाइंग अ काइट। ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है। पापा और उसका परिवार पार्क में है। वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं। पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा। जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती। जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो, तुम बहुत तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पापा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर
पर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओ नहीं। ओ। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। हुरे! ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। ओ। पीछे रहो बच्चो। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी। डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सब के सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। ओ। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में। The tree house. पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग को मिलने आए हैं। दादी पिग। दादी एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो। जी दादी। पेपा, जॉर्ज, देखो मैंने क्या बनाया, छोटे पर्दे। ये छोटे पर्दे क्यों बनाए दादी? ये एक सरप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जी दादी। दादा पिग, दादा एग। हेलो पेपा और जॉर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस। एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए? और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए। वाह! पेपा और जॉर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है?
आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओह अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी। अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। दादी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। दादी पिग। ये रही तुम्हारे लिए कुकीज, पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा। ये आसान है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है। कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पापा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पापा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने कितना आसान है। क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया।
मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगह दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग। क्या हुआ? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। पुत्तू डैडी पिग। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। गाड़ी की सफाई। डैडी पिग पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं। हाँ डैडी पिग, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं, देखो कितनी गंदी है। ओ, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए। अखबार, वो मेरे हैं। चॉकलेट, वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर। डायनासोर। घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओह, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पेपा, वो पानी गंदा है। ओफो, पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। ओह, कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। हाँ हाँ, क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा, रुको। सॉरी मम्मी। डैडी पिग, प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भी गए। चलो अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में।
डैडी पिग इतने अच्छे तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। मम्मी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी। शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मम्मी और डैडी पिग घर की सफाई कर रहे हैं। मम्मी पिग और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है। कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है? नहीं। इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाव। ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं। ये वायलिन है, जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी। मम्मी, क्या आप ये वायलिन बजा सकती हैं? मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया। प्लीज मम्मी, प्लीज इसे बजाइए। उम्मीद है मैं नहीं भूली। वाह वाह। मम्मी, क्या मैं भी वायलिन बजाऊं? इसे ऐसे पकड़ो। ठीक है मम्मी। ओह डियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए। जॉर्ज भी बजाना चाहता है। इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज। ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है। पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओ डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है जॉर्ज। ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। हो, शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिग, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ। आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मम्मी पिग वायलिन बजाती है, डैडी पिग अकॉर्डियन बजाते हैं, पापा ड्रम बजाती है, लेकिन जॉर्ज कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएगा?
जॉर्ज हॉर्न बजा रहा है। मम्मी इसे नहीं बजा सकी, डैडी इसे नहीं बजा सके और मैं भी इसे नहीं बजा सकी, लेकिन जॉर्ज इसे बजा सकता है। The school fete. आज स्कूल मेले का दिन है। पापा को मेले में आना अच्छा लगता है। ये हैं पापा के दोस्त कैंडी कैट, सूजी शिप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। हेलो। मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है। मुझे भी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? फेस पेंटिंग करना। गुब्बारे पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा उछलने वाला कासल पसंद है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हो, बहुत अच्छी पसंद है पेपा। फिर मिलेंगे पेपा। फिर मिलेंगे। जॉर्ज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? डायनासोर। ओह डियर, मेले में कोई डायनासोर नहीं है जॉर्ज। शायद हम एक डायनासोर गुब्बारा ले सकते हैं। आपको यकीन है उनके पास डायनासोर गुब्बारे हैं डैडी पिग? हाँ हाँ जरूर होंगे मम्मी पिग। क्या पहले मैं और जॉर्ज अपना मुंह पेंट कर ले? हाँ हाँ क्यों नहीं। मिस रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है। तो ये लो सूजी, अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो। थैंक यू मिस रैबिट। वाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी। क्या तुम पुसी कैट हो? नहीं, मैं टाइगर हूँ। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं। तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ओ डियर, मेरे पास डायनासोर का कोई गुब्बारा नहीं है। फिक्र मत करो जॉर्ज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम ये दो लंबे गुब्बारे ले सकते हैं? सब लोग उसको देखो। डैडी पिग गुब्बारे से क्या कर रहे हैं? बन गया। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये कांगारू है। नहीं, ये है डायनासोर। बिल्कुल ठीक, डायनासोर। डैडी पिग ने एक डायनासोर गुब्बारा बनाया। डायनासोर। अब वो उछलने वाला कासल। पापा को उछलने वाले कैसल में उछलना पसंद है।
सबको उछलने वाले कैसल पर उछलना पसंद है। प्लेग्राउंड। पेपा और जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं। कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइंबिंग फ्रेम पर हैं। रेबेका रैबिट, सुजी शीप और डैनी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं। पेपा झूले पर झूल रही है। मम्मी मम्मी झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कसकर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा, तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो। झूलने का सही तरीका ये है। पीछे रहो। एक दो चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं। स्लाइड, यिप्पी। पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है। सबको स्लाइड करना पसंद है। मम्मी डैडी मुझे देखिए। एक दो चलो। ये जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है। तुम डरोगे तो नहीं ना जॉर्ज, ये थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओफो, ये भी जॉर्ज के लिए बहुत ऊंचा है। डरो मत जॉर्ज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ। डैडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ भी मत कहो पेपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। चलो पीछे हटो। एक दो तीन। डैडी पिक फंस गए। इसमें हंसने की क्या बात है? डैडी आपको देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ, शायद थोड़ी हंसी आ सकती है। हमें आपको नीचे ढकेलना होगा। डैडी का पेट उछलने वाले गुब्बारे जैसा है। जॉर्ज को डैडी के पेट पर उछलकर अच्छा लग रहा है। जॉर्ज को अब ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा अपने गुड़ियों के घर से खेल रही है। जॉर्ज भी खेल रहा है। पेपा गुड़ियों के परिवार के लिए चाय पार्टी कर रही है। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों, चाय का वक्त हो गया है।
जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज, अगर तुम्हें मेरी गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों, अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी हमारे हैं। जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है। जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ है डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे। ओ, मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। हो, फिक्र मत करो। प्लीज डैडी, उसे बाहर निकालिए। डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जॉर्ज, क्या तुमने स्पाइडर को देखा? प्लीज डैडी, उसे निकालिए, वो बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं है पेपा। स्पाइडर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते। फिर भी चिंता मत करो, डैडी इसे बेडरूम से बाहर ले जाएंगे। ये तो काफी बड़ा लग रहा है। मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी पिग। हेलो मिस्टर स्किनी लेग्स। पेपा थोड़ी बहादुर हो गई है। उसे मेरी गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो। मम्मी, उसका नाम है मिस्टर स्किनी लेग्स। मिस्टर स्किनी लेग्स तो काफी बड़े हैं, है ना? पेपा और जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। गुड नाइट। जॉर्ज मकड़ी को सुला रहा है। नहीं जॉर्ज, उसे चाय चाहिए, उसे अभी सोना नहीं है। क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्किनी लेग्स? क्या आप थोड़ा केक खाएंगे? पेपा को अब उस मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मम्मी डैडी बैठ जाइए, अब हम सब मिस्टर स्किनी लेग्स के साथ चाय पियेंगे। चाय किसे चाहिए? मैं लूंगी। मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत ही यम्मी है। पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। ये रही आपकी चाय मिस्टर स्किनी लेग्स। क्या हुआ? ओ, मेरे डैडी को हेलो बोलना है। हेलो डैडी पे। रहने दो पेपा, अब मिस्टर स्किनी लेग्स को उनकी चाय जो पीनी है। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डैडी? ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने नजदीक मत लाओ इसे। पेपा को मिस्टर पतले पैर पसंद है। सभी को मिस्टर पतले पैर पसंद है। शॉपिंग। पेपा और जॉर्ज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग पसंद है। जॉर्ज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में चार चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी।
पेपा। एक दो तीन चार। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा। टमाटर लिस्ट की एक चीज मिल गई है। अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स। डूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। डूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स। देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पप्पा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पप्पा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है प्याज। प्याज, अभी याद आया। मम्मी ये रहे। शाबाश। एक दो तीन चार। प्याज। शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजें मिल गई। लिस्ट की बस एक ही चीज बची है। पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर आखिरी चीज फल है। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम फल चुन सकते हो। फल कहाँ है? वहाँ पर। वहाँ सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं और एक बहुत बड़ा तरबूज भी। कौन से फल लें जॉर्ज? सेब, संतरे, केले, तरबूज। इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज, तरबूज, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पेपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मम्मी। जॉर्ज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं। मैंने भी तो नहीं रखा। फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा। डैडी पिग। शरारती डैडी। सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है। ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था। चॉकलेट केक। मेरी बर्थडे पार्टी। आज पेपा का बर्थडे है और सुबह हो चुकी है। आज मेरा बर्थडे है। जॉर्ज उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है। उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यप्पी। मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा। ओह, क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस। मैं इसे डैडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा। मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओह डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है, थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ,
मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। हो, 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 किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। बुदबाजाओ। हाँ, अद्भुत जादूगर। डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। यप्पी। पेपा के दोस्त आ गए। कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्त। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। डैडी पिग जादू का शो करने वाले हैं। पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुत ही अद्भुत जादूगर। जी डैडी। दोस्तों, पेश करती हूँ जादूगर डैडी। ये रही मेरी पहली ट्रिक, अब्राकाडाब्रा। वाओ, ये तो टेडी है। मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए। मुझे एक ही चाहिए। प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया। चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ। सूजी शीप। देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला। ठीक है। जब मैं पीछे मुड़ जाऊंगा तब तुम्हें मुझे बिना बताए एक चुनना होगा। ठीक है। क्या तुमने एक चुन ली? हाँ। आबरा का डाबरा, तुमने चुनी पीली। नहीं। आबरा का डाबरा नीली। नहीं। आबरा का डाबरा लाल। हाँ, सही जवाब। बुद्धू जादूगर डैडी, आपने तीनों रंग बता दिए। पेपा, किसी को बताना नहीं। क्या एक और जादू देखना चाहो? हाँ, प्लीज। अब अपनी आंखें बंद करो, देखना नहीं है। अब जादुई शब्द बोलो, अब्राकाडाब्रा। अब अपनी आंखें खोल दो। हुर्रे, मेरा बर्थडे केक। मोमबत्तियां बुझाओ पेपा। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओ,
तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही, क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। ये! आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ओह, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी।